उज्जैन के फ्रीगंज स्थित दवा दुकान में दिन दहाड़े 52,000 रुपए की चोरी हो गई। बदमाश दिन दहाड़े हेलमेट पहनकर दुकान में घुसा और 10 मिनट में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित कान्हा सर्जिकल मेडिकल दुकान संचालक दोपहर करीब 1 बजे किसी काम से बाहर गया था। ठीक उसी दौरान अज्ञात बदमाश हेलमेट पहनकर दुकान में आया और काउंटर तोड़कर गल्ले में रखे 52,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद वह फरार हो गया। दुकान संचालक 10 मिनट बाद वापस आया तो उसे गल्ले में रखे 52,000 रुपए नहीं मिले। इस पर उसने दुकान में लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें एक चोर काउंटर में रखे पैसे रुपए चुराते हुए नजर आ रहा है। हेलमेट के कारण बदमाश का चेहरा छुपा हुआ था। मामले में दुकान संचालक ने माधव नगर पुलिस को शिकायत की है। पुलिस आसपास की दुकानें और फ्रीगंज इलाके के फुटेज खंगालने में जुटी है। माधव नगर पुलिस ने दुकान संचालक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। हाँ, एक शोरूम है, शोरूम में एक आरोपी के फुटेज मिले हैं। इसमें FIR भी की गई है और महत्वपूर्ण बात है कि जो इसमें आरोपी है कोई जानने वाला है और वो आरोपी की काफ़ी स्पष्ट फुटेज मिली है, जिसमें आरोपी अपना जो हेलमेट लगा के एंटर हुआ है ताकि उसकी जो पहचान है वो छुप जाए। पुलिस ने इस पूरे फुटेज को लिया है और शीघ्र इसको मामले को आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को आशंका है कि दुकान में चोरी करने वाला बदमाश संचालक का परिचित है। बदमाश को पता था कि दुकान मालिक किस समय दुकान में रहता है और किस समय बाहर रहता है। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए चोर ने वारदात को अंजाम दे दिया। मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।